কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। टॉप एमसीक्यू सीरीज की इस श्रृंखला में जिसमें हमने टारगेट ऑन प्रीलिम्स जो हमारा टारगेट है उसे कंप्लीट करने के लिए उसे पाने के लिए हम जो एमसीक्यू सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसी माध्यम को लेते हुए हम पूरे इतिहास को कवर कर रहे हैं और इतिहास में बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं मध्यकालीन भारत में और मध्यकालीन भारत में जो हमारा विषय चल रहा है वह है मुगल काल की एक क्लास हो गई है। आज हम लोग मुगल काल और उत्तर मुगल काल के बारे में जानेंगे और इसके पश्चात हम यूरोपियों के आगमन की तरफ बढ़ चलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी छात्र आज हमारे साथ अगर जुड़े हैं पहली बार अगर क्लास देख रहे हैं तो उन्हें बता देना चाहूं आप जिस भी क्लास से अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहीं से कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद की चीजों को रिविजन आप कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी उसे पहले देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने जाना था कि मुगल काल के संस्थापक के रूप में बाबर ने इसकी स्थापना की बाबर, और बाबर का जो टाइम पीरियड था वह हमें देखने मिलता है 1526 से 1530 तक। 1526 से 1530 तक का समय काल के रूप में बाबर का शासन हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें बाबर के पश्चात तो अगला शासक आया हुमायूं। हुमायूं जो है हमें दो बार राज्य अभिषेक करवाता हुआ राज पाठ संभालता हुआ दिखता है। एक है 30 से 40, फिर है 1555 से 56। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसे हमने पढ़ा था वह है अकबर। अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक शासन करता है, ठीक। और आज जो हम शुरू करेंगे जहांगीर के बारे में, जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 27, ठीक। तो हमने अभी तक मुगल काल के तीन शासक बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हमें पढ़ना है टुडे टॉपिक वह है जहांगीर से चीजों की स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे शाहजहां फिर औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 27। जहां मैं अगर आपको टाइम पीरियड याद करवा रहा हूं तो वहां टाइम पीरियड याद कर लीजिए, ठीक है। टाइम पीरियड जहां पर जरूरी है वहां पर मैं बता रहा हूं, वो चीजों को आप याद करते चलिए, ठीक। तो जहांगीर की अगर मैं बात करूं तो जहांगीर का एक और नाम हमें मिलता है वह है सलीम। अकबर के समय में हम देखें तो अकबर जो है सलीम चिश्ती, एक सूफी संत सलीम चिश्ती को बहुत मानता था, यानी उतना महान राजा होने के पश्चात भी, उतना बड़ा मुगल वंश का राजा होने के पश्चात भी कहा जाता है ये अकबर जो है सलीम चिश्ती की चप्पल अपने सर पर लेख के जाता था, यानी इतना सम्मान उनका करता था वो सलीम चिश्ती का। इसी कारण से जब इनका पुत्र हुआ तो उनका नाम उन्हें सलीम रखा और प्यार से भी सलीम बुलाता था, ठीक, क्लियर है। चलिए सलीम के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1569
इनका जन्म हुआ था जहांगीर का। परंतु हमें देखने को मिलता है कि ये जो जहांगीर अपने पिता के खिलाफ ही इसने बगावत की थी, यानी अकबर के अगेंस्ट, अकबर के विपक्ष में इसने बगावत की थी। और बगावत किस प्रकार हुई उसे समझ, ठीक। ये तो ऐसा था कि अकबर की मृत्यु जो है बीमारी से हो गई, वरना जहांगीर कहीं ना कहीं अकबर की हत्या कर देता सत्ता के लिए, ये चीज संभावित थी, ठीक। क्योंकि उस समय सत्ता के लिए ना कोई भाई ना कोई पिता देखा जाता था, सत्ता यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी से भी लड़ाई कर सकते थे लोग, ये चीजें थी उस समय, ठीक। चल, जहांगीर के बारे में अगर हम लोग और चीजें देखें तो जहांगीर की एक पत्नी का नाम हमें मिलता है मानबाई। मानबाई, इस मानबाई का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। मानबाई का बेटा क्या था? खुसरो, ठीक, पुत्र। और मानबाई के बेटे खुसरो ने बहुत ही जल्द 1605 में जहांगीर सत्ता में बैठा और 1606 में ही इसने क्या कर दिया? बगावत कर दिया, ठीक। तो याद रखिएगा, खुसरो ने वर्ष 1606 में ही अपने पिता के खिलाफ विरोध पर उतर आया, और खुसरो ने जब बगावत की तो इसने उस समय जहांगीर के विरुद्ध एक युद्ध भी लड़ा, इसे कहते हैं भैरावल का युद्ध। भैरावल का युद्ध वर्ष 1606 में। इसके साथ ही साथ पहली बार एक ऐसी घटना देखने को मिली जब खुसरो सहायता के लिए सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के पास जाता है, तो अर्जुन देव खुसरो की सहायता करते हैं, और खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को मौत की घाट उतार दी जाती है, ठीक। तो यहां पर खुसरो की सहायता करने के कारण खुसरो की सहायता करने के कारण खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई। क्लियर है यहां तक चीजें? समझ में आई? मैंने क्या बताया, जहांगीर का एक बेटा था मानबाई से हुआ बेटा खुसरो, और खुसरो ने क्या किया, भैरावल के युद्ध लड़ा जहांगीर के समय में, और साथ ही साथ खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की भी हत्या कर दी गई, और उस समय पश्चात खुसरो भी मारा गया। तो यहां पर एक बेटा उसका विरोध करने के कारण मारा गया जिसका नाम था खुसरो। चलिए अगला अगर हम देखें तो जगत गोसाई, इसकी एक पत्नी जिसका नाम था जगत गोसाई, और जगत गोसाई से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुर्रम। जगत गोसाई से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुर्रम, ठीक। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने वाला हूं, ठीक। खुर्रम की अगर मैं बात करूं, खुर्रम की, तो खुर्रम को जब जहांगीर ने दक्षिण अभियान में भेजा था, दक्षिण भारत के अभियान में भेजा था, तो दक्षिण भारत विजय करने के पश्चात इसी खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। इसी खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी।
शाहजहां की। समझ में आई क्या बात? यानी शाहजहां ही कौन है? खुर्रम है। और खुर्रम ही कौन है? शाहजहां। उपाधि कब मिली? जब इसने दक्षिण भारत अभियान किया, और दक्षिण भारत अभियान करने के पश्चात ये उपाधि इसे प्राप्त हुई थी। किसको भाई? खुर्रम को। किसका बेटा है? जगत गोसाई का। इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो जगत गोसाई है, ये अपने पति यानी जहांगीर के नशा करने से, शराब पीने से, अत्यधिक शराब पीने से बहुत ज्यादा परेशान थे, और जगत गोसाई ने कुछ समय बाद आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के कारण खुर्रम जो उसका बेटा था, जगत गोसाई का बेटा, उसे इस बात के कारण अपने पिता से नफरत थी। यानी एक बेटा था कौन? खुसरो, वो भी अपने पिता जहांगीर से नफरत करता था, और यहां पर खुर्रम भी क्या कर रहा है? अपने पिता से नफरत कर रहा है। ठीक है, समझते जाइए चीजों। चलिए, अभी तक हमने दो पत्नियां इनकी देख ली, जहांगीर की। अब एक तीसरी पत्नी के बारे में जानते हैं, तीसरी पत्नी के बारे में। ठीक, जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां, इसे नूरजहां से जहांगीर ने वर्ष 1611 में, वर्ष 1611 में विवाह किया। देख रहे हैं आप, यानी कि अब अगर हम कहें तो 30, 40, 42, 43 साल की उम्र में यह नूरजहां से विवाह कर रहा है। ठीक, नूरजहां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये नूरजहां ही है। अभी देखेंगे कैसे तिकड़म करती है, कैसे गेम प्लान करेगी सत्ता के लिए, इसकी योजना आप देखेंगे, दंग खा जाएंगे। देखिए, है ना, तो नूरजहां जो है उससे 1611 में इनका विवाह हुआ। अगर हम इसके वास्तविक नाम की अगर बात करें नूरजहां की, तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसका वास्तविक नाम था नूरजहां का। कहा जाता है जहांगीर एक बार मीना बाजार गया था, और उस मीना बाजार में पहली बार उसने मेहरुन्निसा को देखा, और मेहरुन्निसा को देखने के बाद उसने कहा था नूरे महल। क्या कहा इसे? नूरे महल। और विवाह के पश्चात इसने इसी नूरे महल को नूरजहां कहा। नूरजहां मतलब जहांगीर ने मेहरुन्निसा को जो नाम दिया था, वो क्या नाम दिया था? नूरजहां नाम दिया था। क्लियर है? नूरजहां। अब देखिए नूरजहां के परिवार को देखिए आप ध्यान से, है ना। नूरजहां के परिवार में, नूरजहां के परिवार में इसका एक भाई होता है, इसका एक भाई होता है, नूरजहां का एक भाई होता है जिसका नाम होता है आसफ खां। नूरजहां का एक भाई जिसका नाम है आसफ खां। बिल्कुल ध्यान से समझिए, वरना ये फैमिली ट्री जो है ना, आपको समझ नहीं आने वाली, गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक, नूरजहां जिसका रियल नाम क्या है? मेहरुन्निसा। उसके भाई का नाम क्या है? आसफ खां। साथ ही साथ आसफ खां की एक बेटी है, एक बेटी आसफ खां की एक बेटी जिसका नाम होता है मुमताज महल। मुमताज महल, आसफ खां की बेटी होती है कौन? मुमताज महल। और इसी मुमताज महल का विवाह शाहजहां से आगे चलकर होगा, मुमताज महल। क्या आप कमेंट सेक्शन में मुमताज महल का वास्तविक नाम बता सकते हैं? क्या था इनका वास्तविक नाम, रियल नाम क्या था, बता सकते हैं? ठीक, चलिए। अब यहां पर नूरजहां जो है 1611 में इन्होंने इनसे विवाह किया, इनका रियल नाम था मेहरुन्निसा, भाई का नाम आसफ खां, और आसफ खां की बेटी का नाम मुमताज महल, जिसका विवाह शाहजहां से होता है। यहां पर आप समझिए एक चीज, आपको समझाने का प्रयास है, देखिए ध्यान से। यहां पर
नूरजहां कर क्या रही है, नूरजहां उसे अभ्यास है। ये हो गई नूरजहां। नूरजहां की एक टीम में इसका एक भाई शामिल था आसफ खां, जो जहांगीर की सत्ता को ये लोग हथियाना चाहते थे। आसफ खां के अलावा अब मुमताज महल का विवाह जब शाहजहां से हो गया तो शाहजहां भी कहीं ना कहीं इनका ही साथ देने लगा, इनका ही साथ देने लगा। इसके अलावा नूरजहां के पिता मिर्जा ग्याज बेग ये भी इनका साथ देने लगे। मतलब ये बोल सकते हैं इनकी जो चौकड़ी आपको दिख रही है, ये जो चौकड़ी आपको दिख रही है, चार लोग जो दिख रहे हैं, ये जहांगीर के विरोधी थे। और आपको समझ में आ ही रहा होगा क्यों विरोधी थे। बात करें अगर हम शाहजहां की, तो शाहजहां तो पहले ही अपनी माता के निधन के कारण, माता जब उसकी जगत गोसाई जो है सुसाइड कर ली थी, तब से ही ये गुस्से में था, तब से ही अपने पिता से बदला लेना चाह रहे थे। इसी कारण से ये नूरजहां की इसे टीम में शामिल हो जाता है और ये लोग जहांगीर के खिलाफ सत्ता से हटाने के लिए, जहांगीर को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करना चालू कर देते। ठीक, तो याद रखिएगा कभी आपको पूछे जहांगीर के विरोधी में कौन कौन शामिल थे, तो इतने लोग यहां पर शामिल थे, इसे ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, देखिए नूरजहां की अगर बात करें तो इनकी पिता का जो नाम है नूरजहां, मैंने बताया इनके पिता का नाम क्या है, मिर्जा ग्यास बेग, इनके फादर का नाम। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नूरजहां के बारे में जो पॉइंट बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग, को जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, एतमाद दौला की उपाधि जहांगीर ने ग्यास बेग को दी थी। ठीक, आगे चलकर जब ग्यास बेग की मृत्यु हो जाती है तो इसी मिर्जा ग्यास बेग का एतमाद दौला का एक मकबरा बनवाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एतमाद दौला का मकबरा बनवाया जाता है और ये मकबरा बनता है आगरा में, एतमाद दौला का मकबरा बनवाया जाता है आगरा में। ध्यान समझिए, नूरजहां, के पिता ग्यास बेग, का टाइटल एतमाद दौला और ग्यास बेग की मृत्यु के बाद एतमाद दौला, क्योंकि उसकी उपाधि थी, तो एतमाद दौला का मकबरा बना आगरा में। समझ में आ रही चीज। अब ये जो एतमाद दौला का मकबरा जो आगरा में बनता है उसकी कुछ विशेषता है जिसको आपको ध्यान रखना। ठीक, पहली विशेषता कि ये जो मकबरा है, एतमाद दौला का जो मकबरा है, ये संगमरमर का बना हुआ है। पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया था, संगमरमर का बना है। इसके अलावा इसमें एक बेहतरीन आर्ट का यूज किया गया है जिसे हम कहते हैं पिएट्रा डूरा शैली, पिएट्रा डूरा शैली। तो एतमाद दौला के मकबरे में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक संगमरमर और एक पिएट्रा डूरा शैली, ये दो चीजों का प्रयोग हुआ है। ठीक, यहां पर आप देख लीजिए, ये रहा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है एतमाद दौला का मकबरा। एतमाद दौला के मकबरे को आप ध्यान से देखिए, संगमरमर का, सफेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा है। ठीक, ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये आगरा में स्थित है। साथ ही साथ इसकी दीवारों में जो आपको निकासी दिख रही है,
जो नक्काशी आपको दिख रही है उसे ही कहा जाता है पेट्रा डोरा शैली, पेट्रा डोरा शैली। चलिए आपको मैं दिखाता हूं, ठीक यहां पर पेट्रा डोरा शैली में यह शैली किस प्रकार की शैली होती है उसे आप समझिए। जैसे मान लीजिए यह अगर कोई दीवार है, दीवार है, अगर इस दीवार में फूल बनाने हो, मुझे दीवार में फूल बनाने हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये इस प्रकार से कोई मैं चित्र बना दूंगा, ये ऐसा, ठीक इस प्रकार से मैं एक चित्र बना दिया और एक मेरी फूल की आकृति बन गई, क्लियर। अच्छा कोई चित्र नहीं बना है, बस आप ध्यान से समझिए, ठीक है, समझाने के लिए। इस प्रकार से हम लोग कोई चित्र बना लेंगे, पेंटिंग वेंटिंग कर लेंगे, कलर से बना देंगे। बट आप ये देखिए, बारिश पानी हवा से इसके कलर क्या हो सकते हैं, फैड हो सकते हैं और धीरे धीरे चित्र भी मिट जाएगा। परंतु पेट्रा डोरा शैली में क्या किया गया, जैसे ये फूल बनाने हैं तो इस फूल को बनाने के लिए पत्थरों को जड़ा गया, दीवारों को खुदाई कर करके पत्थरों को जड़ा गया, अलग अलग रंग के। यहां पे जैसे हरा रंग हो गया, इसके अलावा पीला रंग, यहां पर पीला रंग का जड़ दिया गया पत्थर, इसके अलावा आप देखेंगे ऑरेंज कलर का, तो अलग अलग रंग के पत्थर यहां पर जड़े गए। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए यहां पर पत्थर लगा है और उसमें मैं अगर हाथ चलाऊं, उसमें अगर मैं हाथ फेरूं तो आपको आभास होगा कि उसमें पत्थर लगे होगा। परंतु पेट्रा डोरा शैली की खासियत यह थी कि अगर यहां पर मैं अगर हाथ चलाऊं, इस प्रकार से अगर हाथ चलाता हूं तो मेरे को बिल्कुल भी आभास नहीं होगा कि ये चित्रकारी है, कि इसमें पत्थर को जड़ा गया है। इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरती से इसमें पत्थर जड़े गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। इसीलिए इस शैली को, पेट्रा डोरा शैली को बहुत विशेष माना गया, और यही पेट्रा डोरा शैली आपको ताजमहल में भी देखने को मिलती है, ताजमहल, ठीक। ध्यान समझिए, ये आर्ट एंड कल्चर, इंडियन एंड आर्ट एंड कल्चर में भी आपको जानना होता है, इसलिए इतना इसको समझाया जा रहा है, ठीक है, समझ में आई क्या बात, ठीक। यहां पर मैंने आपको बताया एतमादौला के मकबरे के बारे में जो आगरा में स्थित है। दो विशेषताएं याद रखेंगे, पहली बार संगमरमर का यूज हो रहा है, पेट्रा डोरा आर्ट का यूज हो रहा है, ये दो पॉइंट को आपको जानना जरूरी है। एतमादौला कौन है, मिर्जा ग्यास बेग है, और मिर्जा ग्यास बेग कौन है, नूरजहां के पिता है, ठीक। नूरजहां बहुत इंपॉर्टेंट है जहांगीर के लाइफ में, ठीक। इसके अलावा जो नूरजहां की माता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये पूरा परिवार इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम, और कहा जाता है असमत बेगम ने फूल से इत्र बनाने, फूल से इत्र बनाने की विधि, इत्र बनाने की विधि की शुरुआत की थी। फ्लावर से, फूल से इत्र बनाने की विधि की शुरुआत करने वाली असमत बेगम, ठीक। यहां पर सभी के सभी आपको महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया कौन, जहांगीर का पूरा फैमिली या परिवार, समझ गए इतनी चीजें जहांगीर के सब बारे में। जहांगीर की एक पत्नी कौन, मानबाई का बेटा खुसरो बगावत 1606 में किया, जिसके कारण अर्जुन देव की हत्या हुई। अगली पत्नी कौन, जगत गोसाई का बेटा कौन, खुर्रम को टाइटल मिला क्या, शाहजहां का। तीसरी पत्नी कौन, नूरजहां का रियल नाम क्या है, मेहरुन निसा। ये नूरजहां के अगर पिता को देखे तो उनका नाम क्या है, ग्यास बेग, और ग्यास बेग को टाइटल क्या मिला, एतमादौला, और उसी का बना क्या, एतमादौला का मकबरा, जिसे मैंने अभी बताया। क्लियर है क्या, देखिए इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझिए। इतिहास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, परंतु इसे ही सुलझाने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसे ही तो सुलझाना है भी। टीचर का काम क्या होता है, चीजों को आसान बनाना, ठीक है। तो आप ध्यान से समझते जाइए और करते जाइए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक। अब यहां पर जहांगीर
के समय की अगर हम बात करें तो जहांगीर के समय काल को, टाइम पीरियड को स्वर्ण कला का, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का। ठीक, तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दरबार में अबुल हसन, अबुल हसन और मंसूर खान जैसे चित्रकार रहा करते थे, मंसूर खान जैसे चित्रकार रहा करते थे और मंसूर खान जाना जाता था पक्षियों की चित्रकारी करने के लिए, बर्ड, पक्षी की चित्रकारी करने के लिए यह मंसूर खान जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबुल हसन और मंसूर खान उस समय के फेमस चित्रकार। इसके अलावा हम अगर बात करें तो यह वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के पश्चात अंग्रेजों का आगमन भारत में शुरू हो गया था। अंग्रेजों का जो आगमन भारत में शुरू हुआ उसमें सबसे पहले हमको देखने मिले हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस का आना जहांगीर के दरबार में हुआ और यह हॉकिंस आया वर्ष 1608 में जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के कोर्ट में दरबार में यह कैप्टन हॉकिंस आया था। आने का विशेष मकसद यह था कि व्यापार की अनुमति दी जाए मुगलों के क्षेत्र में। ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई है, व्यापार करने आई, व्यापार की परमिशन ये लेना चाहते थे। शुरुआती दौर में हॉकिंस को व्यापार की अनुमति नहीं मिली, परंतु हॉकिंस को अगर देखें तो बहुत चालाक था, बिजनेसमैन व्यापारी लोगों का आप दिमाग पार नहीं पा सकते। व्यापार करना है मतलब करना, वही जीत में तो आया है और यहां पर ये व्यापार करके रहेगा। इसीलिए जब कहा जाता है कि ये लंदन से आ रहा था, ब्रिटेन से जब आ रहा था, तो आते आते इसने फारसी का ज्ञान ले लिया था, क्योंकि मुगलों की जो भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। और ये फारसी भाषा में जहांगीर के साथ कन्वर्सेशन करता है, समझिए आप, एक अंग्रेज फारसी भाषा को सीख कर आया और जहांगीर से बातचीत कर, और जहांगीर से जब ये फारसी में भाषा में बात करता है तो जहांगीर भारी खुश होता है कि भाई ये अंग्रेज कैसे फारसी में बात कर रहे हैं। और फारसी में बात करने के कारण इसी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान कहा जाता है, इंग्लिश खान समझ में आ रही चीजें, इंग्लिश खान किसे कहा गया, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा गया। ठीक, इसके अलावा फिर से दूसरा एक अंग्रेज और आएगा, सर थॉमस रो। और सर थॉमस रो की अगर बात करें तो ये सर थॉमस रो जब 1615 में आता है तो इसे इस समय व्यापार की अनुमति मिल जाती है, व्यापार की अनुमति इसे मिल जाती है। तो दो अंग्रेज विशेष रूप से आप याद रखना, कैप्टन हॉकिंस इसके काल में आया था जहांगीर के काल में, पूछता है भी है ना, आप हल्के मत दीजिए, पूछता है, कैप्टन हॉकिंस इसके काल में आया था और सर थॉमस रो इसके समय में आए थे। ठीक है, ये दो अंग्रेजों के नाम आप याद रखिए। ठीक, चलिए, तो ये बातें होगी जहांगीर के बारे में, जहांगीर के बारे में। ठीक, जहांगीर के अगर समय को देखें, पूरे अगर समय को अगर ध्यान से देखें तो जहांगीर कोई बहुत ही
अच्छा शासक नहीं था, हमेशा शराब में अफीम का नशा, यही सब नशा वो करता रहता था। जीवन में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कार्य इसने नहीं किए। ठीक, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसको मैंने बताया। अब हम लोग जो प्रश्न है उसे लेंगे और प्रश्न के माध्यम से फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जहांगीर के बाद शाहजहां के शासन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, यहां पर भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। और 1600 में आप बताइए कौन से मुगल शासक का शासन चल रहा है, कौन से मुगल शासक का शासन चल रहा है? तो 1600 में अकबर जीवित था और अकबर के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। अगला है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ठीक, यहां पर देखिए सर थॉमस रो तो आपके जहांगीर के टाइम में आए थे, हॉकिंस जहांगीर की तरह, पीटर मुंडी भी इनके समय में नहीं आया था, रॉल्फ फिच जो है, रॉल्फ फिच ये अकबर के समय में आया था, अकबर के समय में ये रॉल्फ फिच आया था, इसको ध्यान रखिए। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा, सबसे पहले कौन आया? तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, जहांगीर के दरबार में आने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसे ट्राई कीजिए, जल्दी बताइए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमने जाना अकबर के टाइम में रॉल्फ फिच आए थे, उसके बाद विलियम हॉकिंस सेकंड नंबर पर, सर थॉमस रो बाद में आए हैं निकोलस के बाद, तो तीसरे नंबर पर निकोलस, और लास्ट हम लेंगे थॉमस रो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा आपका 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 4 और 3। ठीक, ये वाला क्रम सही, ध्यान से देखिए। ठीक, निकोलस जो है इनके पहले आया था, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए मुगल चित्रकला बताइए, मुगल चित्रकला किसके समय में पराकाष्ठा की सीमा पर पहुंच चुकी थी? ठीक है, यानी अपने पीक वैल्यू पर मुगल चित्रकला पहुंच चुकी थी। अभी आपको मैंने बताया था जहांगीर का समय ऐसा समय था जब मुगल समय का चित्रकला का स्वर्ण काल चल रहा था। स्वर्ण काल बोलने का मतलब यह है कि भाई जहांगीर भी चित्रकारी में इंटरेस्ट रखता था, ऐसा नहीं कि वो चित्रकार दरबार में रख लिया और बोल दिया हम लोग क्या है ये चित्रकला का स्वर्ण काल है, ऐसा नहीं है। चित्रकला की एकदम बारीकियों को समझता था, ये चित्रकला की बारीकियों को एकदम समझता था। कहा जाता है कि इसके सामने अगर मान लो इसके दरबार की चित्रकारों ने एक पेंटिंग अगर उसके सामने रख दी तो वह यह भी बता देता था कि कौन इस चित्र के आंखों को बनाया है, या किसी ने उसके बाल बनाए हैं, किसी ने हाथ को बनाया, किसी ने इसमें कलर किया, सब चीजें वो बता देता था, इतना बेहतर वो समय था। इसीलिए जहांगीर के समय को स्वर्ण काल का, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। अगला बताइए, जहांगीर ने नादिर उज्जमा की पदवी किसे दी थी? नादिर उज्जमा की पदवी इसने किसे दी थी बताइए, नादिर उज्जमा जहांगीर के द्वारा। तो यहां पर नादिर उज्जमा की पदवी इसने अबुल हसन को दी थी। मैंने बताया था आपको कि उस दरबार में अबुल हसन रहा करता था और अबुल हसन को इसने नादिर उज्जमा की पदवी दी थी। अगला है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? आत्मकथा की बात कर रहा है, ऑटोबायोग्राफी। याद होगा अगर मैं बाबर की बात करूं तो बाबर ने तुर्की में तुजुके बाबरी लिखी थी, बाद में उसे बाबरनामा
फारसी में लिखा गया, परंतु आप देखिए जहांगीर है ना, जो जहांगीर ने क्या किया था, अपनी खुद की आत्मकथा फारसी में लिखी, खुद की आत्मकथा फारसी में लिखी थी जहांगीर ने, क्योंकि आत्मकथा सभी ने नहीं लिखी थी, एक बाबर और एक जहांगीर यही लोग थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक, बताइए। देखिए मैंने बोला था एक प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा नूर जहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था, कौन नहीं था। तो यहां पर आपके पास है जहांगीर, ग्यास बेग, आसफ खां, खुर्रम। ठीक, बताइए आंसर क्या होगा। नूर जहां का गुट अगर कह रहा है, गुट का मतलब ये तो जहांगीर के विरोध में ही खड़े होंगे, तो जहांगीर के विरोध में खड़े होंगे तो क्या जहांगीर उसमें रहेगा, तो जहांगीर सदस्य के रूप में नहीं रहेगा। मिर्जा ग्यास बेग नूर जहां के पिता उसमें शामिल थे, आसफ खां ये भी शामिल था, खुर्रम जो शाहजहां के नाम से जाना गया वो भी इसमें शामिल था, तो गुट के सदस्य के रूप में जहांगीर इसमें नहीं था। ठीक, ये देखिए एक और क्वेश्चन। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको बताया, पिएट्रा डूरा निम्न में से किससे संबंधित है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर पकड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, या इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। क्लियर है? तो यहां पर जैसे मैंने बताया था कि भाई कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी जिसमें की जाती है, ठीक, कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी जिसमें की जाती है वही है पिएट्रा डूरा शैली, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा पिएट्रा डूरा पूछा जाएगा, रिकॉल करवाऊं क्या एक बार, एतमादौला को पहले याद करें, एतमादौला कौन था, मिर्जा ग्यास बेग को दिया हुआ टाइटल, मिर्जा ग्यास बेग का मृत्यु के पश्चात एक मकबरा बना जिसे एतमादौला का मकबरा कहा गया, और एतमादौला का मकबरा जो था उसमें पिएट्रा डूरा शैली का उपयोग हुआ, और संगमरमर सफेद संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, समझ में आई बात, तो याद रखेंगे चीजों को। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपको मकबरा दिया गया है और एक तरफ राजाओं के नाम दिए गए हैं, कि किसका मकबरा कहां है इसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए किसका मकबरा कहां पर है उसके हिसाब से आप बताइए, और यह भी बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत दिया है। ठीक है, कौन सा गलत, ठीक, ध्यान से देखिए बताइए। ठीक, तो इसमें अकबर का मकबरा की अगर बात करें तो सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर का शाहदरा में स्थित है, और सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, मैंने बताया था अकबर जो है सलीम चिश्ती को बहुत ज्यादा मानते थे, तो फतेहपुर सीकरी के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही सबसे पहला जो आपको दिखेगा वो सलीम चिश्ती का मकबरा ही दिखेगा, और लास्ट जो दिया हुआ है सलीम चिश्ती के बाद निजामुद्दीन औलिया, ये गलत है, अजमेर में यह स्थित नहीं है, निजामुद्दीन औलिया आपको मिलेंगे दिल्ली में, इनका मकबरा दिल्ली में। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां तक हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर लिया, अब टॉपिक को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अगले एक शासक के बारे में, अगले एक शासक के बारे में जानेंगे जिनका नाम है शाहजहां। ठीक, जहांगीर के बाद अगला रूलर कौन आएगा, शाहजहां का टाइम पीरियड होगा 1627 से 1658, अभी तक मुझे जैसा लगता है कि शाहजहां के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी होगी, कि शाहजहां कौन था, क्या था, इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक, देखिए शाहजहां का नाम आते ही एक चीज तो आपके मन में आ जाता है, ताजमहल। ठीक, ताजमहल आपके मन में आ जाता है। अब समझते हैं क्या चीजें आपको ध्यान देनी। शाहजहां की अगर हम बात करें तो इसकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मुमताज महल।
मुमताज महल का वास्तविक नाम मैंने आपको पूछा था कमेंट सेक्शन में, ठीक। यहां देखिए, मुमताज महल का वास्तविक नाम जो है वह है अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, यह मुमताज महल का रियल नाम था, वास्तविक नाम, ठीक। इसके अलावा इनके पुत्र और पुत्रियों के बारे में बात करें, बेटे और बेटियों की अगर बात करें, तो कहा जाता है कि शाहजहां के 14 पुत्र लड़के व लड़कियां थी, जिसमें आखिरी लड़का होते समय इनकी डेथ हो गई, मुमताज महल की डेथ हो गई, और इसी मुमताज महल की याद में आगे चलकर इन्होंने, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, ठीक। तो 14 में से कहा जाता है कि इनके 7 लड़के व लड़की जीवित बचे थे, जिसमें पहला है दारा सिको, जीवित में दारा सिको, शाहजहां का पुत्र दारा सिको। दूसरा है औरंगजेब, औरंगजेब। तीसरे नंबर पर है मुराद, मुराद। और चौथे नंबर पर है शाह सुजा, शाह सुजा। तो ये शाहजहां के 4 लड़के, शाहजहां के 4 लड़के। इसके अलावा लड़कियां भी थी इनकी, जिसमें एक का नाम था रोशन आरा और एक का नाम था जहां आरा, रोशन आरा और जहां आरा। क्लियर है यहां पर चीजें, रोशन आरा और जहां आरा, ठीक। तो यहां पर जो इनके जीवित पुत्र पुत्रियां बची उसमें 7 यहां पर नाम दिए गए हैं, जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां। अच्छा, एक लड़की का नाम और लिख लेंगे यहां पर, गौहन आरा, गौहन आरा। क्लियर है, ठीक। तो 4 लड़के, दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और शाहसुजा, ये 4 इसके बेटे थे, ठीक, शाहजहां। चलिए अब अगर हम शाहजहां को कभी भी याद करते हैं तो किस लिए याद करते हैं, स्थापत्य कला के लिए। तो इसके समय काल को, इसके समय काल को सबसे पहली चीज स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया, स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक। निर्माण का, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। तो अब जानते हैं इसने क्या क्या चीजें बनवाई। सबसे पहला चीज, इसने आगरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाई और शाहजहानाबाद नाम के एक शहर का निर्माण किया, ठीक। तो यहां इनके निर्माण को देखते हैं, इन्होंने क्या क्या बनवाया था इसको, ठीक। तो क्या बनवाया इन्होंने, शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद बनवाया, यानी दिल्ली, दिल्ली को राजधानी या कैपिटल बनाई। इसके अलावा इन्होंने आगरा में, आगरा में अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण कराया, ताजमहल का निर्माण कराया। और इस ताजमहल को बनाने के लिए जिन्होंने यहां पर अपना सहयोग दिया वह थे उस्ताद अहमद, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कहा जाता है ये वास्तुकार थे, वास्तुकार। साथ ही साथ ईसा खां, ईसा खां, इनकी देखरेख में, देखरेख में ताजमहल का निर्माण, ताजमहल।
आगरा का ताजमहल देखना चाहेंगे? यहां देख सकते हैं आप आगरा का ताजमहल, ठीक, व्हाइट मार्बल से बना हुआ, और इसमें भी पिएट्राडोला शैली का प्रयोग किया गया है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक। चलिए अगला है, हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इन्होंने निर्माण किया था लाल किले का, दिल्ली में लाल किला इन्होंने बनवाया। लाल किले में जब हम जाते हैं तो लाल किले के अंदर हमें दीवान ए आम और दीवान ए खास मिलता है, दीवान ए आम दीवान ए खास देखने को मिलता है। ये दीवान ए आम दीवान ए खास की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यह है कि आम लोगों से, जनता से मिलने के लिए ये दीवान ए खास में राजा आते थे, शाहजहां आते थे, और वैसे खास लोगों से मिलने के लिए, इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से मिलने के लिए ये दीवान ए खास में आते थे। साथ ही साथ इन्होंने यहां बैठने के लिए एक चेयर एक कुर्सी का निर्माण कराया था जिसे हम कहते हैं मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, क्लियर है? तो आपको पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन या तख्त ए ताऊस, तख्त ए ताऊस कहा जाता है, इस तख्त ए ताऊस में या मयूर सिंहासन में, पीकॉक थ्रोन में बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप बताएंगे इस पीकॉक थ्रोन में या मयूर सिंहासन में बैठने वाला पहला व्यक्ति शाहजहां था। और इस मयूर सिंहासन को बनाने वाले, उनका भी नाम याद रखेंगे, मयूर सिंहासन को बनाने वाले थे बेबादल खान, बेबादल खान, बेबादल खान, इन्होंने इस मयूर सिंहासन का निर्माण किया था, ठीक है। आपको राजा के रूप में पूछेगा तो आप शाहजहां बताएंगे, और अगर किसी ने बनाया बोलेगा तो बेबादल खान का नाम बताएंगे। यहां तक क्लियर है क्या चीजें? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, ठीक। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो दिल्ली में बनी वह है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में, जामा मस्जिद, ठीक। जामा मस्जिद की अगर बात करें तो जामा मस्जिद आपको लाल किले के सामने ही मिलेगा, लाल किले के सामने, ठीक। ये हो गया आपका लाल किला, लाल किला में जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद आपको दीवाने आम दीवाने खास देखने को मिलेगा, ठीक। लाल बलुआ पत्थर से बना है, विशेष इमारतें हैं, ध्यान रखिए, ठीक। इसके अलावा यह है आपका जामा मस्जिद। अगर आप लाल किला जब भी देखने जाएंगे दिल्ली में तो लाल किला के सामने ही आपको जामा मस्जिद भी देखने को मिलेगा, यानी ज्यादा दूरी पर दोनों को नहीं बनाया गया था, दोनों आसपास ही बने थे, और यही जो था शाहजहांबाद के नाम से जाना गया था यही क्षेत्र, ठीक है। चांदनी चौक का आलू पराठा भी खाना होगा तो आपको यही जाना होगा क्योंकि यही पास में ही चांदनी चौक भी है, ठीक है। यानी दिल्ली का बेस्ट प्लेस यही है कि आसपास की चीजों को आप घूम सकते हैं, खाने पीने की चीजें भी भरपूर यहां मिलती है, ठीक। चलिए अब यहां पर हमने देखा कि शाहजहां को हम क्या कह रहे हैं, किसने इतने चीजों का, इतने इमारतों का निर्माण किया कि हम इनके समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कह रहे हैं। इसके अलावा अन्य कार्यों में हम देखें तो इनके समय में इन्होंने जो अकबर के समय इलाही संवत की शुरुआत हुई थी उसे इन्होंने समाप्त कर दिया, ध्यान रखेंगे इलाही संवत को समाप्त कर हिजरी संवत की शुरुआत की गई, हिजरी संवत की शुरुआत की गई, क्लियर है। इलाही संवत समाप्त हो गया
और हिजरी संवत की इन्होंने शुरुआत कर दी। ठीक, इस चीज का आप ध्यान रखें। क्लियर? ठीक, कोई बता सकता है कि ये इलाही संवत, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? कल जिन्होंने क्लास अटेंड की होगी वो इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो बताइए, इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष में अकबर के द्वारा की गई थी? इलाही संवत की शुरुआत, ठीक, चलिए अब हम देखें। तो जब शाहजहां का अंतिम समय चल रहा था तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा सिकों को घोषित किया, दारा सिकों को, और दारा सिकों को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद इनके जो अन्य भाई थे उन सब में लड़ाइयां छिड़ गई। अगर हम देखें तो यहां पर चारों दिशाओं में, भारत की चारों दिशाओं में शाहजहां ने अपने बेटों को बिठाकर रखा था। जैसे अगर दिल्ली में देखें, दिल्ली में, तो दिल्ली में दारा सिको, दिल्ली में दारा सिको, गुजरात में आए, गुजरात, गुजरात में अगर आए तो यहां पर मुराद, मुराद, और वैसे ही आप अगर बंगाल की तरफ आए बंगाल में, तो बंगाल में थे शाह सुजा, शाह सुजा, और दक्षिण भारत में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में औरंगजेब को रखा गया था, दक्षिण भारत में औरंगजेब को रखा गया था, दक्षिण भारत में कौन था? औरंगजेब था। तो यहां पर जब दिल्ली की सत्ता में दारा सिकों को उत्तराधिकारी जैसे ही शाहजहां ने घोषित किया तो सभी भाइयों में लड़ाइयां चालू हो गई और सभी भाइयों के द्वारा उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगे, उत्तराधिकार के लिए, सक्सेसरशिप के लिए। इस उत्तराधिकार के युद्ध में आपको देखने मिलेगा कि औरंगजेब को जीत हासिल होगी और औरंगजेब अगला शासक बनेगा। तो यहां पर सक्सेसरशिप के लिए चार लड़ाइयां होनी थी जिसके बारे में आपको क्रम में जमाने के लिए एग्जाम में देता है। तो देख लेते हैं चार लड़ाइयां कौन कौन सी थी। तो यहां लिखेंगे उत्तराधिकार, सक्सेसरशिप, उत्तराधिकार के लिए लड़े गए युद्ध, उत्तराधिकार के लिए लड़े गए युद्ध। इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। ये लड़ाइयां जो होंगी 1658 में शुरू होंगी और 1659 में खत्म होंगी। तो पहली लड़ाई देखने मिल रही है 1658 में सामूगढ़ का युद्ध, और सामूगढ़ के युद्ध में एक तरफ दारा सिको था, दारा सिको, और दूसरे तरफ शाह सुजा की संयुक्त सेना, शाह सुजा की सेना थी। ठीक, शाह सुजा यानी कि दारा सिको के अगेंस्ट में लड़ा था शुरुआती दौर में, जिसमें शाह सुजा की हार हुई। ठीक, अगला है सामूगढ़ के बाद थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहां पर पहली लड़ाई जो है उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में पहली लड़ाई है आपके क्रम में अगर देखें तो बहादुरपुर है, बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, यह लड़ाई आएगा 1658 में। ठीक, इसके बाद अगला आपको मिलेगा धर्मठ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध 1658 में,
तीसरा आपको मिलेगा सामूगढ़, तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध, और चौथा है देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध 1659 में। तो ये चार लड़ाइयां लड़ी गई थी, औरंगजेब, शाह शुजा और दारा सिको के द्वारा। ठीक, दारा सिको के द्वारा। तो यहां चारों भाइयों की लड़ाइयों में याद रखेंगे, ये जो आखिरी की दो लड़ाइयां हैं इसमें औरंगजेब को जीत हासिल हुई। औरंगजेब चार लड़ाइयों में, औरंगजेब को इस दो लड़ाइयों में, सामूगढ़ में और देवराय में, दो जगह इसको जीत हासिल हुई। और औरंगजेब एक ऐसा शासक हुआ, एक ऐसा राजा हुआ जिसने दो बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, एक बार सामूगढ़ के बाद, एक बार देवराय के बाद। तो ये चार लड़ाइयों को आप ध्यान रखिएगा, क्रम में जमाने के लिए आपको एग्जाम में, परीक्षा में दिया जाता है। ठीक, अब यहां पर ये चार लड़ाइयां लड़ने के पश्चात अगला जो शासक बनेगा वह है औरंगजेब, और औरंगजेब के शासन की यहां पर क्या होगी, शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, यहां पर चार युद्ध लड़ने के बाद औरंगजेब जो है सत्ता पर आ जाता है, और औरंगजेब एक ऐसा शासक है जिसने दो बार अपना राज्याभिषेक कराया। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट शाहजहां के बारे में आप ध्यान रखिएगा, शाहजहां के बारे में ध्यान रखिएगा, शाहजहां के टाइम पीरियड में, शाहजहां के काल में आए विदेशी यात्री, विदेशी यात्री, ठीक है, तो यहां पर कुछ विदेशी यात्रियों के नाम बता रहा हूं जो आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये शाहजहां के टाइम में आए थे। ठीक, तो शाहजहां के समय में एक व्यक्ति आया था मुंडी, मुंडी, दूसरा था मनुची, मुंडी मनुची, ये दोनों जो आए थे इटली से आए थे, इटली के यात्री थे मुंडी मनुची। साथ ही साथ दो और यात्री याद रखना आप, वर्नियर, वर्नियर और ट्रेवेनियर, वर्नियर और ट्रेवेनियर, ये दो जो यात्री हैं फ्रांस से आए हुए थे, फ्रांस से। ठीक, ये जो चार यात्री आपको दिख रहे हैं, मुंडी मनुची वर्नियर ट्रेवेनियर, ठीक है, मुंडी मनुची वर्नियर और ट्रेवेनियर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सा यात्री चिकित्सक था, चिकित्सक कौन सा यात्री चिकित्सक था, ठीक है, डॉक्टर था, इसके बारे में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कभी कभार पूछ लेता है कि इनके समय में, शाहजहां के समय में विदेशी यात्री कौन आया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, शाहजहां के पश्चात, शाहजहां के पश्चात औरंगजेब ने शासन की शुरुआत की, औरंगजेब ने। ठीक, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड हमें मिलेगा 1658 से लेकर 1707 तक देखने को मिलेगा। क्लियर है, औरंगजेब का शासन 1658 से 1707। अगर इनकी माता की अगर बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था, मुमताज महल, मुमताज महल, जो अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जानी गई, अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जानी गई, मुमताज महल। क्लियर है, ठीक, अब समझिए, औरंगजेब ने चार युद्ध लड़े हैं, चार युद्ध। पहला था हमको देखने मिला जो युद्ध था उसका नाम क्या है, बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा था सामूगढ़ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध, तीसरा था सामूगढ़ का युद्ध, और चौथा था देवराय का युद्ध। सामूगढ़ और देवराय के बाद इसने दो बार अपना राज्याभिषेक कराया, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो बार राज्याभिषेक, ठीक, यहां पर लिख भी देता हूं, दो बार राज्य अभिषेक कराने वाला शासक, दो बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल शासक, मुगल बोल देंगे, मुगल शासक, मुगल रूलर। क्लियर है, जिसने दो बार राजगद्दी पर बैठने से पहले राज्याभिषेक करवाया। अब ये जब
अपना राज्य अभिषेक करा रहे हैं, शासन में आ रहे हैं, इस समय स्थिति क्या है इसको ध्यान समझिए। शाहजहां को इसने क्या कर लिया है, कैद कर लिया है और सत्ता पर आ गया है, क्योंकि शाहजहां तो इसे बनाना नहीं चाहता था औरंगजेब को, वह बनाना चाहता था दारा सिंह को। ठीक, दारा सिंह को, दारा सिंह के बारे में आप एक विशेष रूप से चीजों को याद रखेगा, है ना। ऐसे तो वो शासन में नहीं आया था, परंतु दारा सिंह को मुसलमान होने के बावजूद भी इसने हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया, हिंदू ग्रंथों का, और ये एक ऐसा शासक हुआ जिसने हिंदू ग्रंथों का अध्ययन तो किया, ये मैं दारा सिंह के बारे में बता रहा हूं। दारा सिंह ने हिंदू ग्रंथों का अध्ययन तो किया और हिंदू ग्रंथों में इसने योग वशिष्ठ और साथ ही साथ भगवत गीता ये दो जो ग्रंथ हैं इनका इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद, समझ रहे हैं। ये कार्य कौन करवाया था, दारा सिंह को। इसे अलग से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ठीक, ये पॉइंट दारा सिंह को से रिलेटेड याद रखना। ठीक, यहां मैंने बताया कि शाहजहां चाहता था कि दारा सिंह को अगला शासक बने, परंतु दारा सिंह को यहां पर राजा बनने का मौका नहीं मिला और औरंगजेब सत्ता में आ गया। अब औरंगजेब जब सत्ता में आता है तो ये मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक के रूप में हमें देखने को मिलता है, सबसे क्रूर। क्रूर होने का कारण भी है, इसकी क्रूरता जो दिखती है उसका कारण भी है, क्योंकि इसके पिता शाहजहां ने जितने निर्माण कराए, है ना, एक तरह का रियल एस्टेट बिजनेस ही चल रहा था भाई, है ना, ताजमहल बना रहे हैं, लाल किला बना रहे हैं, जामा मस्जिद बना रहे हैं, है ना, इसमें तो पैसा लगेगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि फोगड़ में बन जाएगा, फ्री में तो नहीं बनेगा। तो यहां पर शाहजहां ने पूरा पैसा धन इन सब चीजों में लुटा दिया। अब औरंगजेब जब आता है सामने, जब सत्ता में आता है तो जाके देखता है पूरा अकाउंट खाली है, सेविंग अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है मुगलों के पास। ठीक, तो यहां पर उसने बहुत सारी कठोर नीतियां बनाना चालू कर। उन कठोर नीतियों में हमको देखने मिला कि अभी तक जो मुगल शासक थे कहीं ना कहीं थोड़ा सहिष्णु बने हुए थे। अकबर की तरफ से देखिए, अकबर जहांगीर में के समय में थोड़ी धार्मिक नीतियां ऐसी थी कि हर धर्म के लोग का सम्मान किया जा रहा था। शाहजहां के समय से थोड़ी सी चीजें बदली और औरंगजेब के समय में और चीजें बदलती हुई यह दिख रही है कि धार्मिक कट्टरता पर यह उतर आया औरंगजेब, और इसकी धार्मिक कट्टरता आपको देखने को अभी मिलेगी कि इसने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिसके कारण हम धार्मिक कट्टरता की बात कर रहे हैं। ठीक, औरंगजेब यहां पर सबसे पहले जब शासन में उतरता है, सबसे पहला काम यह शरीयत को, शरीयत के नियम कानून के हिसाब से अपने देश की, अपने प्रदेश की जनता को चलने को कहता है, यानी इसने पूरे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में शरीयत के कानूनों को लागू किया, शरीयत के कानूनों को लागू किया। ठीक, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसने नृत्य है, इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, गाना है, नृत्य है, डांस है, ये सब चीजें, इसके अलावा अगर दरबार में उसके जो मंत्री हैं अगर वो महंगे महंगे कपड़े, मखमल वाले कपड़े अगर पहन कर आ रहे हैं, उसे भी इसने प्रतिबंधित करवाया। ठीक, ये सब चीजें थी। अपनी जनता को इस प्रकार का कड़ा आदेश दिया था कि कोई भी महंगे चीजों पर और त्योहारों पर ज्यादा खर्च न करे, इन सब चीजों पर वह कंट्रोली नियंत्रण करने लगा, और यही नियंत्रण हमको देखने मिलता है। परंतु साथ ही साथ हमको यह भी जानकारी मिलती है कि औरंगजेब खुद वीणा वादन किया करता था। ठीक, यहां पर संगीत पर प्रतिबंध तो लगा रहा है औरंगजेब जो है, संगीत पर प्रतिबंध प्रोहिबिट कर रहा है, परंतु खुद स्वयं वीणा वादन करता था औरंगजेब।
याद रखिएगा, एक समुद्रगुप्त था जिसके सिक्के मिले थे जिसमें वह वीणा वादन कर रहा था, और वैसे ही वीणा वादन करने की जानकारी हमें औरंगजेब के बारे में मिलती है, एक ऐसा शासक। ठीक, ध्यान समझते जाइए। चलिए अब आगे हम बढ़े, तो इसने इन सब कानूनों को, शरीयत के कानूनों को जनता फॉलो करे, उसके मंत्री फॉलो करें, इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए उसने विशेष रूप से एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसे कहते हैं मुतसिब। मुतसिब याद रखेंगे, मुतसिब, मुतसिब एक धार्मिक अधिकारी था जो शरीयत के कानूनों को लागू करवाता था। मुतसिब नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया क्योंकि यह इस्लाम को लागू करवाना चाह रहा है, तो इसने मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगवाया, और मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध यानी कि मूर्ति मंदिरों के पीछे जितने भी मंदिर हैं उन्हें तोड़ने पर उतारू हो जाएगा। और जो मंदिरों को तोड़ने की शुरुआत यह करता है उसमें दो प्रमुख मंदिरों की जानकारी हमें मिलती है, उसमें एक है मथुरा का केशव नारायण मंदिर, मथुरा का केशव नारायण मंदिर। इसके अलावा शिव जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जिसे हम कहते हैं काशी विश्वनाथ। ठीक, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, इस मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया और इसे तोड़ा। क्लियर है चीजें, दो मंदिर याद रखेंगे, केशव नारायण मंदिर मथुरा का जिसे वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था कहा जाता है, और इसके अलावा काशी का विश्वनाथ हिंदू मंदिर। ठीक, इस मंदिर के प्रांगण में अभी जब इसका जीर्णोद्धार किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, काशी कॉरिडोर जब बनवाया गया, तो इस मंदिर के प्रांगण में किसी की मूर्ति या स्टैचू रखी गई है? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, या मूर्ति कौन सी रखी हुई है, किसकी यहां पर हमें मूर्ति देखने को मिलती है? इसके अलावा एक और आंसर आप देंगे कि इस काशी मंदिर के लगे हुए प्रांगण से लगे हुए दीवारों से लगे हुए एक मस्जिद हमें देखने को मिलती है, उस मस्जिद का नाम क्या है? क्योंकि ये करंट अफेयर में और समाचार में बहुत ज्यादा रहा था, तो उस मस्जिद का नाम भी आप बताएंगे जो काशी में है। ठीक, और साथ ही साथ उस मूर्ति का नाम बताइए कि वहां पर किसकी मूर्ति रखी हुई है, इसे भी आप बताइए। ठीक, चलिए। ठीक, अब यहां पर जब इसने इस प्रकार से मंदिरों को तोड़ना चालू किया, छोटे बड़े जितने भी मंदिर थे उसे तोड़ना चालू किया, तो यहां पर हमें देखने मिलता है कि जाटों के द्वारा विद्रोह कर दिया। तो इसके समय में एक बहुत बड़ा एक विद्रोह हुआ, जाटों का विद्रोह। इस जाट विद्रोह में होने का कारण तो समझ गए ना आप कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तो जाट क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। ठीक, इसमें हमें सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने विद्रोह किया उसका नाम था गोकुला जाट ने विद्रोह किया। दूसरा था राजाराम के बारे में कहा जाता है यह औरंगजेब के कृत्यों से, कार्यों से इतना ज्यादा दुखी था कि इसने एक दिन क्या किया, अकबर का जो सिकंदरा में मकबरा था जहां उसे दफनाया गया था, वहां उसने क्या किया, जाकर जिस जगह दफनाया गया था वहां से उसे खोदा और वहां अकबर की जो हड्डियां थी उस पर इसने आग लगा दिया। इस प्रकार का गुस्सा इसने दिखाया, राजा राम क्या किया, अकबर की हड्डियों पर आग लगाई। अब आप बोलेंगे सर आग लगाने से क्या है, इसमें कौन सी चीज हो गई, तो समझिए यहां पर इस्लाम में दफनाने को मान्य किया गया है, मान्यता दी गई है, और हिंदुओं में सनातन धर्मियों में यह है कि हम जलाते हैं, और वहां पर अकबर को दफनाने के जब दफनाया गया तो उसकी हड्डियां वहां पर थी तो जलाया तो नहीं गया था, तो यहां पर उसने क्या किया, उसे जला दिया,
और अगर इस्लाम में अगर किसी को जलाया जाता है तो कहा जाता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और वही काम राजा राम ने किया ताकि एक प्रकार का हमारे तरफ से विरोध दर्ज हो। ठीक, तो ये काम कौन किया था? राजा राम। राजा राम इसके अलावा चूड़ामणि, चूड़ाचंद्र ने भी विद्रोह किया था। ठीक है, तो यहां पर तीन विद्रोह हुए थे जाटों के। एक विद्रोह का नेतृत्व किया गोकुला ने, एक किया राजा राम ने और चूड़ाचंद्र ने। कभी राजा राम के बारे में प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा यही वाला कि अकबर की हड्डियों पर आग लगाने वाला व्यक्ति कौन था, तो बताएंगे राजा राम था। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। चलिए अब जो औरंगजेब है इसकी कठोर नीतियों में, जैसे मैंने बताया था कि यहां पर इनके पास पैसे की कमी है, आय की कमी है, आय का कोई स्रोत नहीं है, तो आय का स्रोत ना होने के कारण इसने जो अकबर के समय में जजिया कर समाप्त किया गया था उस जजिया कर को 1679 में जजिया कर पुनः लागू किया, फिर से इसने जजिया कर की शुरुआत कर दी। इसके अलावा यह विशेष रूप से हिंदू व्यापारियों से चुंगी कर लिया करता था। देखिए चुंगी कर ऐसे ही पहले तो सभी व्यापारियों से लिया जाता था। यहां पर औरंगजेब नया क्या कर रहा है कि जो मुसलमान जो व्यापारी हैं उनसे उसने बोल दिया कि कोई भी चुंगी कर नहीं ली जाएगी, और उसने बोल दिया कि हिंदुओं से जो हिंदू बिजनेसमैन है उनसे चुंगी कर वसूला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हुई, एक जजिया कर को पुनः लागू किया और हिंदू व्यापारियों से इसने चुंगी कर लेना चालू किया। इसके अलावा अकबर के समय में चालू हुए झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा को भी इसने समाप्त कर दिया। तो अकबर के समय में एक झरोखा दर्शन चालू हुआ था उसे इसने समाप्त कर दिया, झरोखा दर्शन समाप्त हो गया। झरोखा दर्शन में क्या किया जाता था कि उस समय राजा जो है प्रजा के सामने आता था और प्रजा वहां पर राजा को देखने के लिए उमड़ती थी। जैसे पिक्चर में आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा विशाल दरबार या मैदान होता था जहां पर राजा जनता के सामने जाता था और जनता के सामने अपनी बातें रखता था, उस प्रकार जो सिस्टम चलता था उसे झरोखा दर्शन कहा जाता था। या अपने दरबार में ही जब जनता आती थी तो उसके सामने वहां पेश होता था झरोखा दर्शन। तो इस प्रकार के दर्शन को, झरोखा दर्शन को इसने समाप्त कर दिया। ठीक, इसके अलावा औरंगजेब के काल में बहुत सारे विद्रोह होने लगे जिसमें दक्षिण भारत में विशेष रूप से विद्रोह हुआ जो शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने, क्योंकि जब औरंगजेब का शासन चल रहा था उसी समय शिवाजी ने अपने मराठा साम्राज्य की नींव रख दी थी और मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ठीक, तो जब हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां वो चीजें बताऊंगा कि कैसे एक टसल यानी दोनों के बीच में कैसे लड़ाई होती है और कौन कौन सी संधियां मुगलों और मराठा राजाओं के बीच में या शिवाजी के बीच में होती है, वो वाला पार्ट हम लोग शिवाजी के समय में देखेंगे। क्लियर? चल देखिए, कहा जाता है औरंगजेब का एक विद्रोही बेटा होता है जिसका नाम होता है अकबर। एक विद्रोही बेटा होता है, यह विद्रोही बेटा उस समय एक तो मराठा से सहायता लेता है और सिखों से भी सहायता लेता है, जिसमें कहा जाता है कि उस समय सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर थे। ठीक, गुरु तेग बहादुर, सिखों के नवे गुरु के ऊपर औरंगजेब दबाव बनाने का प्रयास करता है कि जो ये सिख गुरु हैं ये इस्लाम ग्रहण कर ले, परंतु यहां पर सिखों के नवे गुरु
तेग बहादुर ने इस्लाम को कबूलने से मना कर दिया और इस्लाम को ना कबूलने के कारण यहां पर औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? ये तो नवे गुरु, सिखों के नवे गुरु जिनकी हत्या करवा दी गई, बट परंतु आप बताएंगे पांचवें गुरु की हत्या किसने की थी? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा औरंगजेब के शासन में बहुत ज्यादा कुछ निर्माण नहीं हुए। औरंगजेब की एक पत्नी थी, ठीक, औरंगजेब की पत्नी थी जिसका नाम था रबिया बीबी, रबिया बीबी, ठीक। रबिया बीबी के कहने पर, यानी कि ऐसा था कि शाहजहां के टाइम में मुमताज महल के लिए ताजमहल बना, तो यहां रबिया बीबी जो इसकी पत्नी है उसने भी वही जिद करी कि आपने पिता ने बनाया था भाई ताजमहल, अब मुझे भी क्या चाहिए, ताजमहल जैसा स्मारक चाहिए, वैसी इमारत मुझे भी चाहिए। तो यहां पर जैसे तैसे मन मारकर औरंगजेब क्या करेगा, एक ताजमहल की नकल बना देगा, और कहा जाता है ताजमहल की घटिया नकल थी, यह भी कहा जाता है। मन मारकर, बिल्कुल मन मारकर इसने क्या किया, एक ताजमहल बनाया जिसे हम कहते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ये देख रहे हैं आप, ये जो दिख रहा है आपको ताजमहल के शेप में, इसे हम कहते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए, बीबी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा कहां स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए बीबी का मकबरा। ठीक है, तो अपनी पत्नी रबिया बीबी की याद में, रबिया उद्दुर्रानी की याद में इसने ताजमहल की एक नकल बनाई, और ये ताजमहल की नकल कहां बनाई उसको आपको बताना है। ठीक है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये आपको ताजमहल तक दिख रहा है, बट ताजमहल नहीं है, ताजमहल नहीं है, ताजमहल का एक डुप्लीकेट है। ठीक है, देख सकते हैं चार वैसे ही इमारतें यहां पर, और ये ताजमहल बनाने का बिल्कुल तरीका वैसे ही, शैली वही, चार बाग शैली, चार बाग शैली यहां पर भी आपको देखने मिलेगा, वही तरीका अपनाया गया। ठीक है, इसका जवाब आप देंगे, क्लियर है? ठीक, इसके अलावा अब जो औरंगजेब के बाद जो शासन करने आएंगे उसमें हमको देखने मिलता है कि इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मुअज्जम, मुअज्जम, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ही शासन में आता है। तो अब हम देखते हैं उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में और उन राजाओं के बारे में। अगला हम जो देखेंगे वह है उत्तर मुगल काल, और उत्तर मुगल काल मतलब अयोग्य शासकों का क्रम, ठीक है, पोस्ट मुगल एरा, पोस्ट मुगल एरा के बारे में जानेंगे। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल, ठीक है, उत्तर मुगल काल को जानने से पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर उत्तर मुगल काल की स्टार्ट करेंगे। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मृत्यु होने के पश्चात किसने सत्ता संभाली, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किसने सत्ता संभाली, बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने, अकबर द्वितीय ने, किसने संभाली सत्ता उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, चीजों को समझते हैं और बढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। ठीक, देखिए उत्तर मुगल काल के अगर शासकों की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बार बार बता दूं कि ये क्या है, अयोग्य शासकों का क्रम है। अंग्रेज आ चुके हैं और ये मुगलों का पतंग का काल चल रहा है, तो कौन कौन से राजा यहां पर शासन करेंगे उनके बारे में पहले उनके नाम हम देख लेते हैं। ठीक, पहले अगर शासक की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम था बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह का जो समय चालू होगा 1707 से लेकर
1712 तक बहादुर शाह पहला शासक उत्तर मुगल काल का, मुगलों के पतन के काल का पहला राजा। दूसरा हमें देखने को मिलेगा बहादुर शाह के पश्चात, जिसका नाम था जहांदर शाह। जहांदर शाह, और जहांदर शाह का टाइम पीरियड चलेगा 1712 से 13, ठीक है, बहुत अल्पकालीन के लिए शासन करेगा ये। फिर हमें देखने को मिलेगा फर्रुख सियर की अगर बात करें तो 1713 से लेकर 19 तक, 1713 से लेकर 19 तक यह शासन करेगा, ठीक। इसके बाद दो शासक कंटिन्यूस आते हैं, बहुत ही समय, कम समय के लिए आते हैं, ठीक, जिनका नाम होता है रफी उद दरजात 1719, दो तीन महीने के लिए आएगा 1719 में ही, और इसी के साथ साथ एक और शासक आएगा जिसका नाम होगा रफी उद दौला, ये भी 1719, ठीक है। ये कंटिन्यूस उसी समय में दो शासक आएंगे और तुरंत दो तीन महीना शासन करके इनका शासन खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें रफी उद दौला के बाद, तो अगला जो शासक हमें मिलेगा वह होगा मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह का समय हमें बहुत लंबे समय तक देखने मिलेगा, वह है 1719 से लेकर 48 तक शासन देखने को मिलेगा मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह के पश्चात अगला है अहमद शाह, ठीक। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, क्या बोला मैंने, यह अहमद शाह जो लिख रहा हूं मैं, ये मुगल शासक है, अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली नहीं। तो यहां पर इसका शासन कब से कब तक, 1748 से लेकर 54 तक। उसके बाद हमें देखने मिलेगा अहमद शाह के पश्चात आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड रहेगा 1754 से 59 तक। अगला है हमारे पास आलमगीर सेकंड के पश्चात शाह आलम, और शाह आलम का टाइम पीरियड रहेगा 1759 से 1807 तक, ठीक। देन अगला है अकबर द्वितीय 1807 से 1837 तक, और लास्ट हम कहेंगे जो शासक होगा वह है बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर हमें देखने मिलेगा 1837 से 1557 तक। और बहादुर शाह जफर ही लास्ट रूलर होगा मुगलों का, उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक, और मुगल वंश का भी अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह से उत्तर मुगल काल शुरू होगा और बहादुर शाह जफर में खत्म, ठीक है। तो थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उनको जानते चलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है इनके बारे में, इनके समय में बहुत कुछ ज्यादा चीजें नहीं हुई, ठीक। चलो, तो पहले शासक के बारे में मैंने बताया, उत्तर मुगल काल के पहले शासक जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह का टाइम पीरियड मैंने लिखा था क्या, 1707 से 12 तक यह शासन करेगा। इसका रियल नाम कहा जाए तो मुअज्जम था, परंतु यह जो शासन करने बैठा, राजगद्दी पर बैठा, तो बहादुर शाह के नाम से बैठा। इसके अलावा इसे
साह ए बेखबर कहा जाता था, साह ए बेखबर, साह ए बेखबर कहा जाता था, ठीक है, साह ए बेखबर के नाम से यह फेमस था। ठीक, चलिए, इसके अलावा आपको बहादुर शाह के रिलेटेड कुछ नहीं जानना है। अगला जो था वह है जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह का बस आपको नाम जानना है, 1712 से 13 तक एक साल तक शासन रहा। इसके अलावा यहां पर इसने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य नहीं किया। इसके बाद हम देखें तीसरे नंबर पर जो थे उनका नाम है फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, फर्रुख सियर जो है इसका टाइम चलेगा 1713 से लेकर 19 ईस्वी तक, 1713 से 19 ईस्वी फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, ठीक है। थोड़ा फर्रुख सियर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फर्रुख सियर के समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलेगी फर्रुख सियर के, ठीक। देखिए फर्रुख सियर का समय वह समय था जब अंग्रेजों का प्रॉपर शासन यहां पर चालू हो गया था और अंग्रेज जो है अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे। उस समय कहा जाता है कि फर्रुख सियर एक बार बीमार पड़ जाता है, ठीक, फर्रुख सियर क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, और फर्रुख सियर की बीमारी का इलाज करने के लिए एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन आता है, और हैमिल्टन के इलाज करने से, हैमिल्टन के इलाज करने से फर्रुख सियर ठीक हो जाता है। और फर्रुख सियर जब ठीक होता है तो वह उस अंग्रेज डॉक्टर से कहता है कि आपको जो मांगना हो मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, क्योंकि इसका इलाज ऐसा गंभीर हो गया था कि कोई भी मुगल वैद्य या जो भी डॉक्टर रहेंगे वो इसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, और अंग्रेजों के इलाज से ठीक हो जाता है, और अंग्रेजों के इलाज से ठीक होने के पश्चात मुंह मांगी चीजें को देने के लिए तैयार है। और यही सही समय था अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, और अंग्रेजों ने अपना मुंह खोला, और यहां पर फर्रुख सियर से बंगाल में मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की अनुमति इन्होंने मांग ली, और फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बंगाल में फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी, फ्री ट्रेड की, मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। परंतु उसने एक शर्त भी रखी कि आपको 30,000 रुपए वार्षिक सालाना देना होगा, जिसके पश्चात आप मुक्त व्यापार वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसी ने फर्रुख सियर ने वर्ष 1717 ईस्वी में, वर्ष 1717 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों को, अंग्रेजों को फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड जिसे कहते हैं मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, ठीक है, मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी बंगाल में। साथ ही साथ, साथ ही साथ इसने बॉम्बे में, बॉम्बे में अपने सिक्के, अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने की अनुमति दे दी, ठीक है। तो यहां पर दो गलतियां कर रहा है फर्रुख सियर, दो गलतियां, अंग्रेजों के लिए तो अच्छा है बट फर्रुख सियर ये गलती कर रहा है कि यहां पर क्या कर दिया, फ्री ट्रेड का परमिशन दे दिया, कहां, बंगाल में, साथ ही साथ बॉम्बे में अंग्रेजों को यह परमिशन दे रहा है कि खुद के आप सिक्के चला सकते, इससे गया गुजरा दिन मुगलों का कभी नहीं आ सकता, समझ रहे चीजों को, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो हम लोग उसको भी समझेंगे कैसे अपना ये फ्री ट्रेड का मिसयूज ये लोग करेंगे, अंग्रेज दुरुपयोग करेंगे, उसे भी समझेंगे। तो यहां पर मैंने बताया कि फर्रुख सियर ने अपने समय में 1717 ईस्वी में फ्री ट्रेड और साथ ही साथ बॉम्बे में सिक्के ढालने की अनुमति दे दी, जिसके कारण इस आदेश पत्र को अंग्रेजों का, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें, तो अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। इतने अच्छे आदेश मिले थे
कि अब अंग्रेज क्या होंगे, माला माल होंगे, माला माल। ठीक है, यही है समय अंग्रेजों का, एक गोल्डन एरा बोल रहे हैं ना, गोल्डन एरा की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अभी तक ऐसा था कि जहांगीर से बिना अनुमति के कुछ समय पहले हमको देखने मिला कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था, अंग्रेज कोई व्यापार या एक छोटी सी अपनी व्यापारिक कोठी खोलने पहले भी यहां पर अनुमति ले रहे हैं, एक एक चीज की परमिशन ले रहे हैं। परंतु अब क्या है, मुक्त व्यापार, कितनों भी आप व्यापार करो, कितनों भी बिजनेस करो, वन टाइम पेमेंट कर दिए अंग्रेज और वहां पर व्यापार कर रहे थे। ठीक है, ये गलतियां कर रहा है कौन, फारूक सियर। तो अंग्रेजों का ऐसी अनुमति दे दिया, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। ठीक, इस पॉइंट को आप याद रखना। फारूक सियर के पश्चात मैंने आपको बताया दो कमजोर शासक आएंगे, दो कमजोर शासक। ठीक, तो यहां पर दो कमजोर शासक के रूप में हमको देखने मिला था रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, और एक कमजोर शासक था रफी उद दौला, रफी उद दौला। ठीक है, ये दोनों जो है 1719 में ही शासन करेंगे और 1719 के बाद इनका समय खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ये दो कंटिन्यूस राजा कैसे बदले, तो यहां पर कहा जाता है कि दो भाइयों का हाथ था इसमें, जो सत्ता परिवर्तन में लगे हुए थे, और वही दो भाई किंग मेकर, राजा निर्माता के रूप में भी जाने गए, जिसे हम कहते हैं सैयद बंधु, सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स। और ये सैयद ब्रदर्स ही थे जो सत्ता में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन शासन करेगा, इसे डिसाइड करते थे। इसीलिए सैयद बंधुओं को राजा निर्माता के रूप में जाने गए, किंग मेकर। अभी एक प्रश्न मिलेगा जिसमें आपको ये पूछा गया है। ठीक है, आगे एक प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए, अब यहां पर सैयद बंधु जो है सत्ता को परिवर्तित कर रहे हैं, और सत्ता परिवर्तन में हमको देखने मिला कि दो शासक रफी उद दरजात, रफी उद दौला, और फर्रुख सियर को भी हटाने में इन्हीं का हाथ था, इन्हीं का हाथ था। अब आगे चलकर जो शासन में आ रहे हैं, अगला जो शासक के रूप में हमें देखने मिलेगा वह है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ठीक, यह मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह रंगीला के रूप में जाना जाता है, मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह रंगीला, पूरा नाम इसका क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला था। और इसके टाइम पीरियड को देखें तो 1719 से लेकर 48 तक ये क्या करेगा, शासन करेगा, 1719 से लेकर 48 तक शासन करेगा। क्लियर है, तो एक और है मोहम्मद शाह रंगीला, नाम रंगीला है तो रंगीला जैसा काम करेगा। कहा जाता है कि अपने दरबार में निर्वस्त्र होकर आता था और जो चाहे जैसा चाहे करता था, ऐसा राजा था, बिल्कुल बेकार है। मैं बताया ना भाई, मुगल उत्तर मुगल काल में कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, बस क्या है इसके समय में, मुगलों के उत्तर मुगल काल के राजाओं के समय में अंग्रेज आ रहे हैं ना, अंग्रेज, अंग्रेजों के साथ में डच है, फ्रांसीसी है, ये सब आ रहे हैं, तो हमको इनके बारे में जानना होगा, क्योंकि 1857 तक तो है ना, भले नाम मात्र के लिए बट है, इसलिए जानना जरूरी है इनके बारे में थोड़ी कुछ चीजें। ठीक, चलिए, अब देखिए मोहम्मद शाह रंगीला एक कमजोर शासक, इसके समय में अब क्या होगा, मुगलों का जो क्षेत्र था, धीरे धीरे इसके अधीन रहने वाले राजा जो हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करना चालू करेंगे, और कुछ क्षेत्र में जो इनके द्वारा बनाए गए दीवान थे, नवाब थे, वो अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास करेंगे। तो हमको जानकारी मिलती है कि उस समय अवध का एक नवाब था, अवध, जो अपने क्षेत्र को यहां पर स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया, वह था सादत खां। अवध के नवाब ने यहां पर अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, सादत खां। वैसे ही अवध के अलावा एक और क्षेत्र था, वह था बंगाल। बंगाल, बंगाल में भी, यहां पर भी एक नवाब ने आगे चलकर अपने आप को स्वतंत्र किया, और वो कहलाए मुर्शिद कुली खां।
मुर्शिद कुली खां। ठीक, एक और क्षेत्र इस समय स्वतंत्र हुआ, वह था हैदराबाद। हैदराबाद और जिसके संस्थापक के रूप में जाने गए, संस्थापक हैदराबाद के, जिनका नाम था चीन किलिज खां या निजाम उल मुल्क। चीन किलिज खां या निजाम उल मुल्क के रूप में जाने गए, निजाम उल मुल्क के रूप में जाने गए। तो हैदराबाद और बंगाल और अवध, ये तीन क्षेत्र कहा जाता है कि इस समय में स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि मौका मिल रहा है तो फायदा हर कोई उठाएगा। ठीक है, अब मुगलों की सत्ता को भी स्वीकारने को तैयार नहीं है, जो भी जिस क्षेत्र में था धीरे धीरे अलग होने का प्रयास कर रहा है। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट चीज कि इसके समय में 1739 में, 1739 में एक ईरान का क्रूर शासक नादिर शाह आक्रमण कर देता, और ईरान के इस नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात यह दिल्ली में बैठा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला अपने क्षेत्र को सुरक्षित ही नहीं कर पाता। और सुरक्षा की यह अवस्था आ जाती है कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर, तो दिल्ली में जितने भी यहां पर रहने वाले लोग थे उन्हें तो लूटा ही, इसके अलावा राजा का मयूर सिंहासन भी इसने क्या कर लिया, लूट लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मयूर सिंहासन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1739 में, ठीक, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट लिया नादिर शाह। साथ ही साथ मयूर सिंहासन में लगे हुए कोहिनूर हीरे को भी इसने लूट लिया। दो चीजें इसने लूट ली, नादिर शाह ने एक मयूर सिंहासन लूटा और एक कोहिनूर हीरा लूट लिया। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा याद रखेंगे, प्रश्न बनता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मयूर सिंहासन का निर्माण करता कौन है। बैठने वाले राजा के, मुगल राजा की नाम बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि मयूर सिंहासन को बनाया किसने था। ठीक है, बनाया किसने था। ठीक, इसके अलावा यहां पर एक पॉइंट और याद रखेंगे, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन के नाम से नादिर शाह जाना जाता है। ठीक है, नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन, 1739 की बात है, इसे कहा गया। क्लियर है इतनी चीजें? तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को आपको याद रखना है, किसके समय में, फारूक सियर के समय। ठीक, फारूक सियर के बाद अगला आएगा अहमद शाह के टाइम में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं हुई। अगला हम जो देख लेते हैं आलमगीर के टाइम में क्या हुआ था उसको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड था 1754 से लेकर 59 तक, और इसके टाइम में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई, वह था प्लासी का युद्ध इसी के टाइम में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, क्या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, बताइए बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे, क्लियर है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी की अगर मैं बात करूं तो यह हुआ था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसे भी जानेंगे। ठीक है, बस आप अभी इतनी चीजों को ध्यान रखिए। ठीक, चलिए अगला है, इसके पश्चात जो अगला शासक आया वह था शाह आलम, और शाह आलम ने शासन किया बहुत लंबे समय तक, 59 से
1807 तक, इतने लंबे समय तक इसने शासन किया। इसके समय में अगर मैं बात करूं जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन महत्वपूर्ण घटनाओं में एक तो यह था कि 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके समय में क्या हो रहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध हमें देखने को मिला, इसी के काल में हुआ 1761 में। ठीक, साथ ही साथ बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर इसी के समय में हुआ था और यह वर्ष था 1764। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं इसके टाइम पीरियड में हुई है, बट ये दो इंपॉर्टेंट बैटल्स को आप याद रखेंगे, पानीपत का युद्ध और बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, दो बैटल्स आपने देखे हैं, बाबर के साथ एक हुआ था इब्राहिम लोदी का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और अकबर और हेमू का दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, और ये तीसरा होगा 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, बस अभी हम टाइम पीरियड को देख रहे हैं। ठीक, अगला हम देखें, इसके बाद जो अगला शासक आया उसका नाम था अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड 1807 टू 1837, 1837। ठीक, अकबर द्वितीय के बारे में एक लाइन का एक प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है कि राम मोहन राय को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जो जाने जाते हैं, पुनर्जागरण के पिता के रूप में जो जाने जाते हैं, उन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी, और इसके बाद से ही ये कहलाए राजा राम मोहन राय। इसके बाद क्या कहलाए, वो राजा राम मोहन राय कहलाए। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक है, राजा की उपाधि दी गई, राजा राम मोहन राय अब ये कहलाए। ठीक, अच्छा, ये इनको राजा का टाइटल क्यों दिए, है ना, एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, राजा का टाइटल इनको क्यों मिला। तो राजा का टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि अकबर द्वितीय, है ना, अकबर द्वितीय के समय में यह था कि उन्हें पेंशन मिला करती थी, अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज इन्हें पेंशन देते थे, और अंग्रेजों की पेंशन, अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली पेंशन जो है अकबर द्वितीय को वह रोक दी गई, और अकबर द्वितीय ने उस समय राजा राम मोहन राय से मदद ली, और राजा राम मोहन राय ने इनकी पेंशन शुरू करने में मदद की, इसी कारण से इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। बस इतना याद रखना। ठीक, अब आते हैं मुगलों के आखिरी राजा के पास, और उसका नाम है बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो है इसका टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1837 टू 1857 तक। ठीक है, 1857 तक बहादुर शाह जफर, और यही है मुगलों का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ मुगल्स, अंतिम शासक। इसके समय में महत्वपूर्ण घटना यह होती है, वह घटना है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया जाता है, और 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण इन्हें अंग्रेजों के द्वारा रंगून के जेल भेज दिया जाता है, और उसी रंगून के जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार मुगलों का शासन भी खत्म हो जाता है और दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीजें देखे, यहां पर जाकर मुगल वंश समाप्त होता है। अब कुछ प्रश्न है उसे देख लेते हैं, इसके बाद ये सेशन हम खत्म करेंगे। ठीक,
यहां पर देखिए मुगलों मुगल काल में राजा बनाने वाले कौन थे। ठीक है, यहां पर आप देखिए बताइए, मैंने आपको बताया था सैयद बंधु है, उन सैयद बंधु में आपको पूछा गया है उनका पूरा नाम दिया गया है, बताएंगे कि इनका नाम क्या है, सैयद बंधु में नाम क्या है इसे आपको बताना है, बताइए क्या होगा। ठीक, तो उनके जो सैयद बंधु हैं उनका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये जो थे ये थे सैयद बंधु। ठीक है, जो किंग मेकर के रूप में जाने गए। ठीक, अगला है बताइए कौन किसके बाद आया। ध्यान से देखिए, सब चीजें मैंने आपको बता दी है, कौन किसके बाद आया, क्रम में आपको जमाना है। ठीक है, राजाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, कौन किसके बाद आया बताइए, मोहम्मद शाह दिया है, जहांगीर शाह, आलमगढ़ द्वितीय या अहमद शाह। ठीक, बताइए कौन किसके बाद आया, ऑप्शन ए बी सी डी ध्यान से देख के बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है, मुगल वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे आपको करवा दिए गए हैं, आपको बस आंसर देना है बताइए। तो यहां पर देखिए मोहम्मद शाह के पहले हमको देखने मिलेंगे जहांगीर शाह पहले, दूसरे नंबर पर मोहम्मद शाह होंगे और उसके बाद अहमद शाह और चौथे क्रम में यहां पर आलमगीर द्वितीय। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर क्रम क्या होना चाहिए, बी ए डी सी, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी ए डी सी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार से क्रम में आपको जमाना है। ठीक, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था बताइए, पिता का नाम क्या था, क्लियर है। तो बहादुर शाह जफर, ये बात कर रहा है बहादुर शाह जफर की, पहला बहादुर शाह जफर। ठीक है, अंतिम मुगल शासक कौन है, बहादुर शाह जफर। ये जफर ना, जफर नाम इसलिए लिखता था क्योंकि जफर के नाम से फारसी में कविताएं लिखने की इसकी आदत थी, इसलिए बहादुर शाह जफर नाम पड़ा। और पहला उत्तर मुगल काल का जो शासक है वो सिंपल बहादुर शाह है, और ये क्या है, बहादुर शाह जफर, इस चीज का ध्यान रखिए। तो क्या आएगा, अकबर द्वितीय आएगा, अकबर शाह द्वितीय उसके पिता। ठीक, यहां पर देखिए निम्नलिखित कथनों में से बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है बता रहे, ध्यान से देखिए बताइए क्या होगा, सही नहीं है उसके बारे में बताना है, बहादुर शाह जफर के बारे में। ठीक, क्लियर है, तो सही नहीं है इसका मतलब है असत्य पूछा गया, गलत कौन सा है। ठीक, पहला लाइन है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, सही बात है। ठीक है, इसे साम्राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था, सही बात है। इब्राहिम जौक आर और अहमद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये बात भी करेक्ट है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। अगला है 1,00,000 रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, पेंशन वेंशन इसे नहीं मिला भाई, है ना, ये बात गलत है, सही नहीं है पूछा, यानी असत्य के बारे में पूछा है। ठीक, अगला प्रश्न है अवध का प्रथम नवाब कौन था, प्रथम नवाब के बारे में बात किया है, तो अवध के प्रथम नवाब के बारे में अगर देखें तो जैसे मैंने बताया अवध का क्षेत्र जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो वहां प्रथम नवाब के रूप में सादत खान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर, यहां बताइए महाराजा जयसिंह के द्वारा कहां कहां वेधशालाएं बनाई गई, कहां कहां पर वेधशालाएं बनाई गई। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, कहां वेधशालाएं बनाई गई थी इसके बारे में बताइए। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां पर बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक चीजें, चलिए अब यहां तक हम आ गए हैं मुगल वंश के अंतिम छोर पर, और मुगल वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब जो है मुगलों के बाद जहां हमें जाना है वह जाना है आधुनिक भारत की तरफ, और आधुनिक भारत में हम जानेंगे यूरोपियों के आगमन, यूरोपियों का आगमन, कि यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों यहां पर यूरोपिया है, यूरोपियों के आने के कारण क्या थे, और कैसे ब्रिटिश अंग्रेज जो है यहां पर अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे।
ठीक। इससे संबंधित और भी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे जो बच्चे लाइव में और कमेंट सेक्शन में जितने भी प्रश्न करेंगे उसके जो जवाब है वो आपको हर सैटरडे लाइव मेरे द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि टॉप एमसीक्यू सीरीज में जो हम 5 दिन आपको सेशन देंगे उस सेशन के ही प्रश्न जो है, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं प्रश्नों को हर शनिवार हमारे द्वारा लाइव में बताया जाएगा। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।